एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाल्लाह ताला। बंगलादेशी समर्थन में खोलाखोली बाहर ओबीसी एआई एमएन नेता देले मोदी सरकार को धमक, कहिले सीएए को रद्द कर, एनआरसी आणिले शाहीन बाग ठिया कर। कृषि आईन को रद्द करा घोषणा पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम रो सभापति तथा सांसद असासुद्दीन और ओवैसी मोदी सरकार को धमक देवा आरंभ कर। एक सभारे केंद्र सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम को रद्द करने दावी करिछन्ते। केवल सेतिकि नुहे, से आहुरी कहिछन्ते जे जदि केंद्र सरकार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजेंस लागू करिबे, देश रे नुआ शाहीन बाग ठिया कराई दियाजबो बोली धमक दैछन्ते। उत्तर प्रदेश रो बाराबंकी ठारे एक सभारे उद्बोधन दे ओबेसी एहा कहिछन्ते। से कहिछन्ते मु प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को सीएए को कृषि आईन भली प्रत्याहार करने को दावी करुछि, कारण यह संविधान विरोधी। यदि केंद्र सरकार सीएए और एनआरसी उपरे आईन प्रणयन करती तेरे आम रास्ता को ओल्लू और आउ एक शाहीन बाग तैयारी करू। एठार उल्लेख करा जाय पारे जे सीए को रद्द करने पर दिल्ली में शाहीन बाग ठारे रास्ता को रोकी रखा जाता। यह दीर्घ दिन धरी चली और दिल्लीर लोकने रास्ता अवरोध कारण दीर्घ दिन धरी हैरान होते। बारंबार अनुरोध सत्वे से माने रास्ता खोली नथिले, परे कोरोना कारण आंदोलन हटा पड़ा। एपरी कही असादुद्दीन ओवैसी सीधा सीधा संकेत देते दलर गणतंत्र में कौन प्रकार विश्वास ना, लोकर भोट्रे विजयी गठन कर सरकार को कौन प्रकार काम करने को देना, सरकार देशर सुरक्षा दृष्टि कौन पदक्षेप ग्रहण कले भिड़ एकाठी कर रास्ता को अवरोध करदे, साधारण लोक हैरान करेंगे और शेष में एपरी आईन को प्रत्याहार करने को बाध्य करेंगे। भारत में अनेक बंगलादेशी अनुप्रवेशकारी कारण से चिन्हट करवा देशर सुरक्षापी जरूरी। बंगलादेशी भारत को सुरक्षा दृष्टि विपन्न करने भारत संबल गुड़िकर भारतीयों को वंचित कर लगी। विभिन्न राजनैतिक दल मैंने भोट बैंक सुरक्षा पर बंगलादेशी अनुप्रवेशकारी विरुद्ध में कौन प्रकार कार्यानुषान तो दूर कथा, से विरोध में गोटे पद कौना। हेले मोदी सरकार बंगलादेशी अनुप्रवेशकारी भारत में रही किभली भाव देश को भितर दुर्बल करा भल भाव जानते, तेणु मोदी सीएए और एनआरसी काम कर। कृषि आईन प्रत्याहार होगा असासुद्दीन ओवैसी और अन्य इस्लामी संगठन मान उत्साह बढ़ी जाए, तेणु सेने भिड़ एकाठी कर भारत सरकार को नुआईबे खोलाखोली भाव भाषण देवे लगी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।